आपका क्वेश्चन है, इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पी क्यू इज द डायमीटर, इफ एंगल आर ओ एस, आर ओ एस इज इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल आर टी एस। ठीक है ना, तो इसने क्या कहा है वो हम देखते हैं। पहले सबसे पहले इसने कहा कि ओ इज द सेंटर, दिस इज योर सेंटर। फिर इसने क्या कहा, पी क्यू इज द डायमीटर, पी टू क्यू इज द डायमीटर। ठीक है ना, एंगल आर ओ एस, आर ओ एस इज 40 डिग्रीज एंड वी हैव टू फाइंड आउट आर टी एस, आर टी एस दैट मीन दिस एंगल, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या शुरू करना है, दिस एंगल से, जहां पर कुछ दिया हुआ है ना। तो आप देखो आर ओ एस आपके किस सेक्टर को कवर कर रहा है, तो ये आपके इस सेक्टर को कवर कर रहा है, दिस सेक्टर। ठीक है, और कहां पर बना हुआ है, एट द सेंटर। ठीक है ना, अब आप दूसरा कोई एंगल ऐसा ढूंढो जो सेम सेक्टर को कवर करे, तो दैट इज योर आर क्यू एस, है ना। आर क्यू एस भी सेम को कवर कर रहा है, लेकिन कहां पर है, दूसरे सेगमेंट में। ठीक है, तो नाउ वी कैन राइट इट एज, और हमको यह भी पता है कि सेंटर एंगल इज ऑलवेज डबल देन द अदर सेगमेंट एंगल, है ना। तो हम वही लिखते हैं, तो वी कैन राइट इट एज एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स द आर क्यू एस। ठीक है ना, तो आप देखो आप पर क्या हो रहा है, तो वी कैन से आर ओ एस, आर ओ एस कितना दिया है 40, तो 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 आर ओ आर क्यू एस, तो आर क्यू एस कितना हो गया हमारा 40 डिग्री बाय 2, दैट इज योर 20 डिग्री। तो आपका आ गया आर क्यू एस इज 20 डिग्री, तो दैट मीन्स दिस एंगल इज योर 20 डिग्री। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, देखो इसने ऐसे ही नहीं बोला है कुछ, डायमीटर, तो पी क्यू इज द डायमीटर। तो अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, इट्स अ सेमी सर्कल, है ना। तो वी कैन राइट इट एज पी आर एस क्यू इज अ सेमी सर्कल, पी आर एस क्यू इज सेमी सर्कल। तो अगर ये सेमी सर्कल है तो डायमीटर से जो भी एंगल बनेगा इट फॉर्म्स 90 डिग्री, है ना। तो आप देखो पी आर क्यू, है ना, डायमीटर से ये एक ही एंगल बन रहा है, दैट इज पी आर क्यू, इट इज 90 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये आपका 90 डिग्री है दिस वन, तो बाकी ये वाला एंगल कितना रहेगा आपका, दिस एंगल, इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर, है ना, स्ट्रेट लाइन है वो, इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। तो आपका क्यू आर टी भी आपका 90 डिग्री बनेगा, तो वी कैन राइट इट एज पी आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर टी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो आपका पी आर क्यू इज 90 डिग्री प्लस
एंगल क्यू आर टी कितना हो गया आपका 90 डिग्री होगा, है ना, क्यू आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी आपका 90 आ गया। नाउ टेक दिस ट्रायंगल आर क्यू टी, तो टेक ट्रायंगल आर क्यू टी, तो आपका क्या आएगा, देखो एंगल क्यू आर टी द सम ऑफ द थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल, तो कौन कौन से हैं आपके, क्यू आर टी प्लस एंगल टी प्लस एंगल टी क्यू आर, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपका एंगल टी निकलेगा, दैट वो आपका पूछा है आर टी एस, आर टी एस दैट इज एंगल टी, है ना। तो आपका यहां पर देखो क्यू आर टी कितना है आपका 90, तो हमारा आ गया 90 डिग्री प्लस एंगल टी प्लस 20 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 20 कितना होता है आपका 110, तो वी कैन राइट इट एज एंगल टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कितना होता है आपका 70 डिग्री। तो आपका एंगल टी जो हमको रिक्वायर्ड था दैट इज योर 70 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको निकालना।